please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया में। और आज मैं बात करने वाला हूं मिस्टर केसी परवाल सर से। केसी परवाल जी ने राजस्थान की जो कंस्ट्रक्शन है उसे काफ़ी सिंपल बना दिया, क्योंकि पहले राजस्थान के हर सिटीज़ में अलग अलग लॉज थे, फिर गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया, सारी जो सिटीज़ थी उसमें एक ही तरह के मानक तय कर दिए कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन वो जो सरकार के नियम आते हैं, जो कोर्ट का आदेश आता है, वो शुद्ध हिंदी में लिखा रहता है और वो शुद्ध हिंदी पढ़ने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है, जिसे आसान बनाने के लिए केसी परवाल जी ने ये किताब लिखी है और जिस किताब में ये सारी चीज़ें। और आज बात करेंगे केसी परवाल जी से इसी किताब के बारे में। स्वागत है केसी परवाल जी आपका हमारे शो में। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने ये किताब लिखने का ख्याल मन में कैसे आया? ये इस प्रकार से आया कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं और बिल्डर्स में भी यंग जनरेशन है, बहुत सारे उनमें से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, पास आउट किए हुए हैं। सेकेंडली, जो बहुत सारे आर्किटेक्ट जयपुर के बाहर के हैं, बेंगलोर के हैं, सिंगापुर के हैं, उनको हिंदी पढ़ने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है। तो मुझे ये जागृत हुई भावना कि मैं प्रत्येक हिंदी के पृष्ठ का इंग्लिश में अनुवाद करूँ, इसके अतिरिक्त मैं इसको इतना यूजर फ्रेंडली बना दूँ कि किसी को कोई चीज़ देखनी हो, कोई भी सब्जेक्ट पे पॉइंट पे लॉ देखना हो, तो तुरंत ही उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चला जाए और उसी पेज पे पहुंच के उसको समझ ले। इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, जैसे कुछ एग्जांपल दे के बताइए। जैसे अब बेसमेंट के लिए प्रोविजंस कोई 30-40 जगह अलग अलग स्थानों पर लिखे हुए हैं। बेसमेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, बेसमेंट में रैंप कितना साइज का उतरना चाहिए, बेसमेंट में वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, इस तरह बेसमेंट से रिलेटेड 50 जगह अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। इसको एक स्थान पे देखना हो तो कैसे देखे, सारी पुस्तक तो कोई पढ़ नहीं सकता आज के ज़माने में। तो मैंने उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 332 आइटम्स की सूची बना दी है, जैसे बेसमेंट में ए बी करता हुआ चला जाएगा और बी के आगे उसमें पृष्ठ संख्या या पैराग्राफ संख्या दे दिया है, तो तुरंत वो पैराग्राफ वो पढ़ लेगा। मैं आपसे अब रेरा के बारे में जानना चाहूँगा। रेरा जो आया है, रेरा नया प्रावधान आया है, रेरा के आने से बायर्स का क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, मैं आपको तुलना करता हूँ, सेबी नाम से एक संस्था बनी हुई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके पहले शेयर्स पे जो टर्नओवर होता था बहुत कम होता था, छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स को कोई विश्वास नहीं होता था, कई तरह के घपले झमेले होते रहते थे, जो आपने भी सुने होंगे, अर्शद मेहता, कभी कोई। जब से सेबी आई है तो रूल्स रेस्ट्रिक्शंस बन गए हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, शेयर एक्सचेंज में जो भी काम करते हैं उन ट्रेडर्स के लिए, सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आ गई है। उसके कारण सब तरह के घपले या गड़बड़बाजियाँ सब समाप्त हो गई, लगभग समाप्त हो गई, लोगों का विश्वास जगा है और इसके कारण छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं और शेयर्स में टर्नओवर होने लग गया कई गुना। इससे सारी देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ है, ये ट्रस्ट जागृत हुआ है, विश्वास जागृत हुआ है सेबी के कारण। इसी प्रकार से रियल इस्टेट इंडस्ट्री में नियमों का अभाव था, उस प्रकार के नियम थे, जनरल लॉ तो थे, लेकिन उस प्रकार के, जैसे टीवी खरीदना हो उसने कुछ हो गया और मकान खरीदना हो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो, दोनों के लिए एक ही लॉ था। टीवी तो बेचारे के किसी को लॉस हो गया इन्वेस्टर के, तो नया खरीद लेगा, सोच के छोड़ देगा यार नहीं था किस्मत में। मकान तो सर जिंदगी की पैसा जमा करता है, इकट्ठा करता है, सपने देखता है, लोन लेता है, ईएमआई चुकाता है, उसके बाद भी समय पर मकान नहीं मिलता या कुछ धोखा हो जाता है तो फिर वो आदमी क्या करेगा। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी भारत सरकार ने इसको रेरा के नाम से एक संस्था का गठन किया है और बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स उसमें जुड़ना चाहते हैं, उनके अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं, कर्तव्य तो सुनिश्चित होते ही हैं, उनके अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। जैसे पहले किसी इन्वेस्टर ने पैसा जमा नहीं कराया, बुकिंग पैसा भी नहीं दे रहा है, बुकिंग भी रोक के बैठा हुआ है, तो वो न फ्लैट किसी और को बेचा जा सकता है, न कुछ करा जा सकता है जब तक वो कोर्ट केसेज में नहीं अटका रहे, 10-20 साल नहीं लग जाए। ये चीज़ें भी उनको अधिकार भी दिए हैं बिल्डर्स को, जो बिल्डर सही तरीके से काम करना चाहते हैं उनके लिए रेरा बहुत अच्छा है और दिस विल बी ए बून फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आई अंडरस्टैंड, लाइक सेबी वाज द बून फॉर द शेयर इंडस्ट्री। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारी रियल एस्टेट की मार्केट है ये काफ़ी समय से मंदी की मार झेल रही है, क्या रेरा के आने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, मार्केट सुधरेगी? इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, अभी मंदी की मार तो पहले से झेल रही थी बिकॉज ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल हर ट्रेड में आता है, 3-4 साल बाद में एक बार मंदी का दौर आता है, वो मंदी के दौर के साथ में दूसरी चीज़ होगी डीमोनेटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन के कारण रियल इस्टेट सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, जितनी लग्जरी या बड़े इन्वेस्टमेंट के आइटम थे जैसे सोना चांदी थे, ये सारे हिट हुए हैं, रियल इस्टेट भी हिट हुआ है, क्योंकि इसमें कैश डीलिंग्स बहुत अधिक थी, सब लोग जानते हैं, तो
तो ये इसको अभी ये ट्रांजिशनल फेज है, 1-2 साल का फेज निकल गया है और अब वापस डिमांड आने लगी है। अब रियल इन्वेस्टर्स की, रियल यूजर्स की डिमांड भी आएगी और जेन्युइन लोग, बायर सेलर्स इसमें बचेंगे, वो रहेंगे और वो अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया केशी परवाल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।